भारत में सौरव गांगुली के समय से ही कप्तान अपने कुछ मुख्य खिलाड़ी का चयन करते हैं जिन्हें वो बैक करते हैं और फिर उन्हें टीम में जगह दिए जाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद भारतीय खिलाड़ी भी कहते हैं। कई बार युवराज सिंह, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के मुँह से सुना गया है कि सौरव गांगुली उन्हें टीम में जगह देने के लिए सेलेक्टर से भी लड़ जाते हैं। ऐसा ही भारतीय कप्तान विराट कोहली भी करते हैं। जब से वो कप्तान बने हैं उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बैक किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें शायद भारतीय कप्तान पसंद नहीं करते, शायद इसलिए उन्हें टीम में मौका कम ही मिलता है। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है तो साथ ही कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी खास पहचान बनाई है। लेकिन आपको बताते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनके साथ विराट कोहली की कप्तानी में काफ़ी नाइंसाफी हुई। तो डालते हैं ऐसे ही 5 खिलाड़ियों पर एक नज़र। शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल इस समय तो धीरे धीरे अपने आप को साबित करने में लगे हैं। शुभमन गिल का नाम पहली बार साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुर्खियों में आया, जिसके बाद तो पंजाब के इस बल्लेबाज ने आईपीएल के साथ ही घरेलू क्रिकेट में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। साल 2019 में शुभमन गिल को भारत के लिए डेब्यू का मौका मिला, लेकिन कुछ वनडे मैच खेलने के बाद वो टीम से दूर हैं। शुभमन गिल ने हाल ही में न्यूजीलैंड में भारत ए के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें भारत की टीम में जगह भी दी गई, लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर ही रखा। अब तक शुभमन गिल के साथ कोहली नाइंसाफी कर रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें डेब्यू का मौका मिला था। नंबर 2 संजू सैमसन। भारतीय क्रिकेट टीम में युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। भारतीय टीम में एक से एक ऊपर युवा खिलाड़ी है, जिसमें केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को कैसे भुलाया जा सकता है। संजू सैमसन सालों से घरेलू क्रिकेट और भारत ए के साथ ही आईपीएल में चमकदार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन उन्हें मौके के नाम पर अब तक केवल गिनती की T20 मैच खेलने को मिले हैं। संजू सैमसन ने साल 2015 में T20 मैच के साथ डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्हें साल 2020 में फिर से टीम में जगह मिली, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ही मैच खेलने को मिले। सबसे बड़ी बात तो संजू को किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर टीम में शामिल किया जाता है, यानी साफ है कोहली संजू के साथ गलत कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक को अपने करियर में अंदर बाहर के खेल से लंबे समय तक सामना करना पड़ा है। दिनेश कार्तिक ने वैसे वापसी भी की और अपनी योग्यता भी साबित की, लेकिन विराट कोहली ने इनके साथ ज़्यादा इंसाफ नहीं किया। दिनेश कार्तिक की बात करें तो फिलहाल टीम से बाहर है। उनके साथ कोहली ने कुछ ज़्यादा ही अनदेखी की है। कार्तिक को 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला जब भारत फाइनल तक पहुंचा, लेकिन कार्तिक को कोई भी मैच खेलने को नहीं मिला। इसी तरह से दिनेश कार्तिक को पिछले साल वर्ल्ड कप में भी मौका मिला, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें केवल 2 मैच खेलने का मौका मिला। इसके बाद टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया। अंबाती रायडू। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायडू को एमएस धोनी की कप्तानी में अच्छा खासा मौका मिला। आईपीएल में अपनी पहचान बनाने के बाद रायडू को वनडे में मौका मिला, जिन्होंने 2015 का वर्ल्ड कप खेलने में भी सफलता हासिल की। अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था। अंबाती रायडू ने इसके बाद अपने अच्छे प्रदर्शन के बूते साल 2018 में फिर से टीम में वापसी की और लगातार खेलते रहे। रायडू वर्ल्ड कप 2019 के पहले तक तो टीम का अच्छा खासा हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद वर्ल्ड कप की स्क्वाड से रायडू को बाहर कर दिया गया। अंबाती रायडू को अच्छी फॉर्म में होने के बाद भी कप्तान कोहली ने नाइंसाफी कर टीम से उन्हें बाहर कर दिया। गौतम गंभीर। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट में जिस तरह का योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2007 और वर्ल्ड कप 2011 जिताने में अहम भूमिका निभाई। गौतम गंभीर के करियर का अंत बहुत ही बुरा हुआ, जिनको संन्यास बड़े सम्मान के साथ लेने का मौका भी नहीं मिला। वर्ल्ड कप 2011 के बाद से ही गंभीर को एमएस धोनी ने अनदेखा करना शुरू कर दिया था। गंभीर को लगातार नज़रअंदाज करने का काम विराट कोहली ने भी कप्तानी संभालने के बाद जारी रखा। वैसे गंभीर ने ज़रूर 2016 में वापसी की, लेकिन इसके बाद कुछ ही मैचों में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। अगर कप्तान कोहली उन्हें मौका देते तो खास सम्मान मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।